हम लोग अभी बिल्डिंग से निकल गए हैं कार्ड बनाने के लिए, मैं और अहान। ये जो आपको इस कलर की जो मशीन्स नजर आएंगी, ये बेसिकली पार्किंग डालने के लिए है। आ जाओ। सो देयर इज अ लाइन, विल जस्ट फॉलो द लाइन। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सरसेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और जो लोग बहुत सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो मेरी लाइफ के बारे में सब पता है, और जो लोग अभी नए नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनको मैं अपनी इंट्रोडक्शन अभी दे देती हूँ, ताकि आप लोग भी मुझे थोड़ा सा जान जाओ। मैं यूएई में रहती हूँ, आबूधाबी शहर में, और यहाँ पे रह रही हूँ मोर देन 16 ईयर्स। जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने यहाँ पे गुजारा है। मैं एक इंटरनेशनल एयरलाइन में इन फ्लाइट मैनेजर थी, जिसे पर्सर भी कहा जाता है। लास्ट ईयर ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई हैव लॉस्ट माय जॉब, क्योंकि कोरोना के चलते, थैंक्स टू कोरोना, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और जिसके चलते ट्रैवल भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, अभी बाहर कहीं घूमना तो पॉसिबल है नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आबूधाबी के ही दर्शन कराए जाए, जहां मैं रहती हूँ। दुबई भी जाने आने के लिए हमें काफी टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मैं दुबई के भी अभी व्लॉग्स नहीं कर रही हूँ। आबूधाबी को ही मैंने चुना है अभी आपको दिखाने के लिए। और आबूधाबी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देखा जा सकता है, कवर किया जा सकता है, बहुत अमेजिंग प्लेस है आबूधाबी। तभी शायद मैंने डिसाइड किया कि यही रहूंगी, कहीं आगे पीछे किसी और कंट्री में मैंने मूव होने का कभी नहीं सोचा, क्योंकि जो कंफर्ट और जो एक अपनापन मुझे इस शहर में लगता है वो कहीं और नहीं लगता, दैट इज टू बी ऑनेस्ट। तो अभी आबूधाबी में मैं 2008 से ड्राइव करती थी, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने अपनी गाड़ी जो है वो बेच दी है। उसका कारण भी आपको सच सच बताऊंगी, कोई झूठ नहीं बोलूंगी, कोई मुझे फड़े नहीं मारनी, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, जो मैं हूं देसी हूं, आपके सामने हूं। मेरे पास गाड़ी होती थी, मैं ट्रैवल भी करती थी, लेकिन मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज नहीं होती थी। तो जब हमने सिटी वाले इस घर में शिफ्ट किया, तो होता क्या है, अगर आपकी अपनी बिल्डिंग में पार्किंग असाइन नहीं है ना, तो फिर आपको अपने एरिया में पार्किंग लेनी पड़ती है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट से। एक पार्किंग स्पेस बुक होता है, नॉट बेसिकली वन पार्किंग, तो आपके एरिया में कुछ नंबर्स होते हैं, उसी एरिया में आप अपनी गाड़ी को अगर पार्क करते हो कभी भी आप दिन में या रात में, तो फिर आपको उसके चार्जेस बार बार, मतलब पार्किंग की टिकट नहीं लगानी पड़ती अपने घर के एरिया के आसपास। उसके साल के करीबन 900 के करीब चार्जेस होते हैं, मवाकिफ बोलते हैं उसको, पास होता है एक। और अगर आपके पास दूसरी गाड़ी भी है तो पहली गाड़ी के 900 देने पड़ते हैं, और अगर दूसरी गाड़ी पार्क करनी है सेम एरिया में तो उसके 1000 से ऊपर चार्जेस है। तो जब ये चीज मुझे पता चली तो मुझे लगा कि मतलब मैं 1200 दिरहम खामखा अपनी गाड़ी को खड़े करने के दूंगी, और मैं इतनी गाड़ी अभी चला नहीं रही, दुबई जा नहीं रही, और आबूधाबी के आबूधाबी मैं और मेरे हस्बैंड साथ में घूम ही लेते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड टैक्सीज भी थी, हमेशा मैं टैक्सी ले लेती थी, लेकिन टैक्सी की एक ही बात है कि अगर आप टैक्सी पे एक बार चढ़ते हो, एक सिग्नल से चाहे दूसरे सिग्नल पे उतरते हो, मिनिमम जो फेयर है आपको 12 दिरहम तो आपको देने ही पड़ते हैं। एक बार टैक्सी में चढ़ के उतरने के भी आपको 12 दिरहम ही देने पड़ते हैं, और मैं कभी भी कहीं जाती थी तो 20-25 दिरहम तो आराम से मेरी पॉकेट से जा ही रहे थे, क्योंकि मैं और अहान घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते आते रहते हैं। तो मेरे मन में अभी एक बात आई कि देखो, यूरोप में या यूके में या बहुत सारी कंट्रीज में मैंने बस सर्विसेज यूज की हैं, ट्रैम ट्रेन्स यूज की हैं, तो क्यों ना मैं आबूधाबी में भी ट्राई करूं। और मैं आबूधाबी में बसेस को जब भी निकलते देखती हूं, मेरा भी दिल करता है कि मैं बस में बैठूं, सच्ची में बहुत दिल करता है मेरा, क्योंकि आई मिस इट, यू नो, आई मिस यूरोप, आई मिस यूके, आई मिस दोस ट्रेन्स एंड ट्रैम्स एंड ट्यूब्स। तो एनीवे, अभी मैंने आज रिसर्च करना शुरू किया, हफीलाक कार्ड है यहाँ का आबूधाबी का, और आबूधाबी और दुबई के कार्ड्स को मिक्स मत कीजिएगा। दुबई का बस का वहां का कार्ड अलग होता है, आबूधाबी का और अलेन का कार्ड सेम है यहाँ के लिए। तो आबूधाबी के कार्ड को बोलते हैं हफीलाक कार्ड, इसमें एक टेम्परेरी कार्ड भी होता है, एक परमानेंट कार्ड होता है। टेम्परेरी कार्ड जो होता है वीक की वैलिडिटी होती है, जिसको दोबारा से टॉपअप किया जा सकता है। आई थिंक उसके लिए एमिरेट्स आईडी की शायद जरूरत नहीं पड़ती, जो यहाँ की नेशनल आईडी है, मतलब जैसे हम लोग यहाँ के रेजिडेंट वीजा वाले हैं तो हमारे पास यहाँ की एक एमिरेट्स आईडी होती है यूएई की तरफ से। तो आई थिंक जो परमानेंट कार्ड लेना होता है ना हमें, जो 5 साल के लिए वैलिड है, उसके लिए एमिरेट्स आईडी का होना जरूरी है। लेकिन टेम्परेरी कार्ड कोई भी बनवा सकता है, आई थिंक एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर। उसको बनाने के बाद आप उसको टॉपअप भी कर सकते हो, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी वेबसाइट की पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप पढ़ सकते हैं आराम से। अभी हम बात करेंगे जो एक 5 साल का कार्ड बनता है, जो कार्ड के आई थिंक 10 दिरहम का कार्ड बनता है, और वो हर बस स्टॉप के ऊपर, मोस्टली हर बस स्टॉप के ऊपर एक मशीन लगी होती है, वहां से भी बन सकता है, और ऑनलाइन भी उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। लेकिन कार्ड आई थिंक मशीन से ही
निकलेगा जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, जो मैंने पढ़ा है और समझा है। तो वो मशीन पे जाके 10 दिरहम डाल के जो भी डिटेल्स अपनी भर के वो कार्ड इशू हो जाएगा और उस कार्ड को टॉपअप करते रहना है। और ईच राइड मोस्टली जो अबू धाबी में एक से दूसरी जगह अबू धाबी सिटी के अंदर अंदर की जो है वो 2 दिरहम के करीब है। और अगर कोई लंबे रूट की बसेस यहां से चलती हैं तो उनमें क्या होता है, इनिशियल 2 दिरहम कटते हैं, बाद में कुछ एक फिल्स मतलब मनी जाती है पर किलोमीटर के हिसाब से, तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन कंपेयर टू अगर टैक्सी कहूं तो बहुत सारा पैसा लोगों का बच सकता है, जिसकी वजह से आज मैंने सोचा कि इस कार्ड के बारे में आपसे मैं बात कर ही लेती हूं। तो इसमें जैसे कि मैंने पढ़ा है, एक टेम्परेरी कार्ड है, 5 दिरहम आई थिंक इनिशियल लगते हैं, 14 दिन के लिए वैलिड होता है। ये टेम्परेरी हफीलात कार्ड है और आप 150 दिरहम का उस परचेज कर सकते हैं, मतलब टॉपअप कर सकते हैं, और वैलिड ये रहता है आपके लिए 7 दिन। परमानेंट कार्ड जिसकी हम 5 साल की वैलिडिटी गिन रहे हैं, 80 10 दिरहम्स में बनता है और उसमें भी आगे कई ऑप्शंस होती हैं। अगर आपने 30 दिरहम्स उसमें डालने हैं अनलिमिटेड वाले जो 1 वीक वैलिड रहेंगे, या आपने 1 मंथ के लिए डालने हैं 80 दिरहम्स जो अनलिमिटेड मतलब आप ट्रेवल कर सकते हो, तो कई ऑप्शंस हैं उसमें। मतलब कि 30 दिरहम में आप 1 वीक अनलिमिटेड ट्रेवल कर सकते हो। 80 दिरहम्स वाला एक कार्ड है जिसमें आप पूरा महीना अनलिमिटेड कहीं भी जाओ कहीं भी आओ उस पर आप ट्रेवल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने यहां पे पढ़ी हैं। मोस्टली उन्होंने कहा है लोकल सिटी बसेस 82 दिरहम्स आपको ईच टाइम जब आप अपना कार्ड पंच करोगे बस में, तो 2 दिरहम लगते हैं। और बाकी जो सबर्ब बसेस मेरे ख्याल से एक से दूसरे पॉइंट जो लॉन्ग रूट बसेस होती हैं वो 82 दिरहम्स इनिशियली हैं, लेकिन 5 फिल्स पर किलोमीटर आपके कटते हैं। और मेरे ख्याल से इंटरसिटी जो बसेस हैं वो 80 10 दिरहम्स की हैं एंड 10 फिल्स पर किलोमीटर आपके कटते हैं। फिर भी बहुत ज्यादा चीपर है यार ये, टू बी ऑनेस्ट। तो इसको आप यूज करके अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। इसी के साथ साथ में मैंने एक चीज पढ़ी है, कई बार लोगों को ना अपना बैलेंस याद नहीं रहता कि कार्ड में कितना है, तो जो मशीन जहां से आप अपना कार्ड बनाते हो वहां से बनाने के बाद उसी पे ही एक तरीका होता है, आप अपने किसी भी को पैसेंजर से पूछ सकते हो या वहां पे जो भी मशीन के पास कोई खड़ा हो उससे पूछ सकते हो कि इसका बैलेंस कैसे चेक करना है। आप मशीन के ऊपर अपना कार्ड बस रखेंगे तो आपका बैलेंस स्क्रीन के ऊपर शो होगा, क्योंकि अगर आपके कार्ड में बैलेंस नहीं होगा तो आपको फाइन हो सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स एवरी टाइम जब आप बस पे चढ़ोगे तो आपको उसको पंच करना है, निकलते हुए पंच करना है, ताकि एग्जैक्ट आपका जो फेयर है वो उस कार्ड में से कट सके। और कुछ एक रूल्स है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से, अबू धाबी की तरफ से, मैं पढ़ देती हूं आपके लिए। अगर किसी भी दूसरे पैसेंजर को आप तंग करते हो तो 500 दिरहम का फाइन है। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग बस में अलाउड नहीं है, अगर आप करते पकड़े जाते हो, क्योंकि ऑफकोर्स कैमराज हैं बस में, तो 200 दिरहम का फाइन है। अगर आप टिकट खरीद के किसी दूसरे को रीसेल करने की कोशिश करोगे तो 500 दिरहम का फाइन है। ट्रैवलिंग बाय पेइंग इनकरेक्ट फेयर, अगर आप इनकरेक्ट फेयर पे करके मतलब गलत तरीके से बस पे चढ़ के कुछ चीटिंग करने की कोशिश करते हो तो 200 दिरहम का फाइन है। और जैसे जो सीटें प्रेग्नेंट वुमेन या ओल्डीज के लिए या स्पेशल केस स्पेशल कैटेगरी पैसेंजर्स के लिए बनी होती हैं, अगर उन पे आप बैठे पाए जाते हो तो 100 दिरहम्स का फाइन है। और किसी भी तरह की सेफ्टी को अगर आप जेपरडाइज करते हो, किसी दूसरे पैसेंजर को मतलब ब्लॉक कर रहे हो आप, आपका कोई ऐसा सामान दूसरों को ब्लॉक कर रहा है जिससे उनकी सेफ्टी में कोई फर्क पड़ रहा है, तो 200 दिरहम का फाइन है। और अगर आप ड्राइवर को डिस्टर्ब कर रहे हो या किसी को भी अथॉरिटी वाले को, जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट वाले अगर बस में आते हैं कोई क्वेश्चन करते हैं, आप उनसे फाइट करते हो कुछ करते हो, तो उस पर भी 200 दिरहम का फाइन है। और अगर आप किसी और सीट पे अपने पैर रखते हो या अपनी आर्म को बाहर निकालते हो बस के विंडो से या डोर से, तो 200 दिरहम का फाइन है। और अगर आपका परमिट आपके पास नहीं है और अगर आपसे पूछा जाता है, क्योंकि कभी कभी स्पॉट चेक्स भी होते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आपको 500 दिरहम का फाइन देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपके लिए आज पढ़नी थी ताकि आप ये कार्ड बना सकें, क्योंकि मैंने भी अभी नीचे जाना है, मेरा मन कर रहा था कि मैं भी एक हफीलात कार्ड अपने लिए बना ही लूं। पहले मैं अपने लिए बनाऊंगी, एक आधा सिटी का टूर लेके देखती हूं, उसके बाद मैं अहान के लिए भी बनाऊंगी। एंड अमित शर्मा जी तो गाड़ी अपनी चला के ऐश कर ही रहे हैं, लेकिन हम ऐश करेंगे अपना बस में थोड़े टाइम के लिए। और बाकी उसके अलावा अभी मेरा मन तो ये था कि मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि कैसे उसको निकालना है कार्ड को, तो लेट मी सी, अगर अभी डे लाइट है तो आई गो एंड गेट इट डन राइट अवे। सो हम लोग अभी बिल्डिंग से निकल गए हैं कार्ड बनाने के लिए, मैं और अहान। ये जो आपको इस कलर की जो मशीन्स नजर आएंगी, ये बेसिकली पार्किंग डालने के लिए है। आ जाओ। हाय, अहान इज ऑल्सो हियर।
और हमारे घर से बस स्टॉप जो है वो थोड़ा सा दूर है, बस 5-1 मिनट लगेंगे। वहाँ जाके हम फटाफट से कार्ड बना लेंगे। आज हमने सोचा कि कार्ड बना ही लेते हैं। आहान मुझे कितनी बार कह चुके हैं, मम्मा प्लीज़ हमें बस पे ट्रैवल करना है। राइट, यू लाइक बस ना? या लाइक बस। या तो अभी हम 2 कार्ड बनाएंगे, 1 कार्ड बनाएंगे। The bus stop, the wheel go round and round. Yeah, I want 2 cards. Okay, okay. तुम्हारा भी बना दूंगी। कह रहा है मेरा भी अभी आज ही बनाओ कार्ड। तो इसका भी बनेगा और मेरा भी बनेगा। 2 कार्ड बनाएंगे आज हम। ये हम बस स्टेशन के पास पहुंच ही गए हैं। सामने मशीन्स लगी हुई हैं। बस उस तक हमने जाना है। Are you excited? Yay! So, बस सामने ही मशीन्स हैं। Let's just reach there. So there is a line, we'll just follow the line. सो गाइस, इस मशीन के ऊपर आपको नज़र आएंगे ये 2 ऑप्शन। तो हमने जाना है बाएं पे। बाएं में 2 ऑप्शन है, आपको दोनों दिखा देती हूँ। लोकल पास पे अगर आप जाते हो तो इसमें वीकली पास है और मंथली पास है। और ये वैलिडिटी जो होती है, ये वीकली, वीक में ही ये 40 dirhams की वैलिडिटी आपको यूज़ करनी होती है, जो कि हमने नहीं यूज़ करनी है। सो हम इसको नहीं चूज़ कर रहे हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं इसको। हम जाएंगे दूसरे वाले ऑप्शन पे जो है रिचार्ज। हम रिचार्ज करेंगे। ओके, लेट्स डू दिस। आई थिंक इट टेक्स अ सेकेंड टू लोड। ओके, सो हम रिचार्ज कर लेते हैं, लेट्स से 40 dirhams। ओके, कैश विदाउट रिसीट, कैश विद रिसीट। ओके, सो यहाँ पे अभी ये हाईलाइट हो गया है, तो हम इसमें 100 dirham का नोट डाल रहे हैं। हाँ डालो बेटे। या स्ट्रेट करके डालो जरा। ओके, सो पैसे चले गए, बाकी का बैलेंस हमारा यहाँ से आ जाएगा। जस्ट वेट बेटा, गिव मी द कार्ड। इस पे दिखा रहा है प्रोसेसिंग। इट्स नॉट वर्किंग। इट्स वर्किंग। ओके, तो इसमें हमें ये रिसीट आई है, ये कार्ड आया है। हाँ, कैन यू पिक इट अप? साथ में कुछ रिसीट्स आई हैं। बहुत कार्ड है, ये गरम। एक मिनट, एंड द मनी आल्सो कम्स आउट फ्रॉम हियर। हाउ मच इज दिस? 50। 50 + 50 इक्वल्स 100 लेफ्ट। सो टेक बैक योर बैंक नोट्स। तो यहाँ से हमने डाला था पैसे को, यहाँ से हमें पैसे वापस मिले हैं और यहाँ से हमें ये रसीदें आ रही हैं। तो हम इनको सबको कलेक्ट करके अभी देखती हूँ मैं इसमें क्या है। शो द कार्ड ना बेटी। Here, I got one. Now we'll get 2. Okay, तुम्हारे लिए भी ले लेंगे। दिखा तो दो सबको। यार ये मेरा है। हाँ, ये आहान का ही है भाई। इस पे लिखा हुआ है परमानेंट कार्ड। इसको ऐसे पकड़ो जरा। अरे पकड़ने को बोला है यार, सीधा करके बेटे। अच्छा, सीधा। आहान, like this बेटा। Okay, let me show them. Okay, he's super excited about the card. Now we are going to make the card for आहान. ओके, तो एक बार दोबारा से दिखा रही हूँ। विल गो टू बाय। ओके ओके, नाउ गो टू रिचार्ज। ओके, नाउ गो टू 40, रिचार्ज 40। ओके, नाउ विद रिसीट। दिस वन? या। ओके, नाउ हियर विल पुट मनी। यू हैव टू पुट अ हैंड 1 by 1। ओके, पुट ऑल द नोट्स 1 by 1। नो नो, हियर हियर, 1 by 1 आई सेड। You have to put it सीधा करके बेटा। ओके, पुट अनदर वन। वन गया। 1 by 1 डालते हैं बेटे। ओके, वेट वेट।
ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया था क्योंकि काफी लेट कर दिया था हमने. सो 20 दिरहम्स. टेन दिरहम्स. अनदर 10 दिरहम्स. एंड अनदर 10 दिरहम्स. तो हमने 50 दिरहम का कार्ड बनाया है. ओके जस्ट वेट अहान. ऑल राइट. सो जस्ट वेट. इट्स इज प्रोसेसिंग. इसमें कार्ड आएगा. होल्ड ऑन अहान. प्लीज कलेक्ट द कार्ड. Okay, it's here, Ahan. Leave it. Okay. So my this... card. Very hard. Because हमारा कोई बैलेंस नहीं था तो कोई बैलेंस नहीं आया. हमने एग्जैक्ट मनी डाली थी एंड दैट्स इट. तो कार्ड हमने बना लिए हैं. इस तरह से कार्ड दिखता है. ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है परमानेंट कार्ड. और इसमें मैंने 50 दिरहम्स वाला रिचार्ज वाला ऑप्शन जब मैं प्रेस करती हूँ रिचार्ज कार्ड उसके ऑप्शन के ऊपर जाकर मैंने 50 दिरहम्स वाले के ऊपर क्लिक किया तो 10 दिरहम्स कार्ड के कटते हैं और 40 दिरहम्स अब इसमें बैलेंस है जो हम खूब सारा यूज़ कर सकते हैं. और इसकी वैलिडिटी मतलब अनलिमिटेड है. मैंने कोई वीकली या मंथली वाला कार्ड नहीं लिया. एक कार्ड हमने अहान के लिए भी लिया. शो योर कार्ड बेटा. एंड अहान इज सुपर एक्साइटेड. तो हम दोनों मैं और अहान किसी दिन बस राइड करेंगे. अभी अहान के पापा घर आने वाले हैं तो हम शायद अभी बस राइड नहीं करेंगे. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी गो ऑन अ बस वी विल डेफिनेटली शो यू गाइस. अभी के लिए इतना ही. से बाय अहान. चलो गाइस मैं ममता से सेवा ले रही हूँ आपसे विदा. और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी. और तब तक के लिए अलविदा. आज का वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा. गुड बाय.